हेलो दोस्तों, आज हम बनाते हैं विंटर स्पेशल मटर मलाई मेथी विद परौंठा। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने ली 100 ग्राम मेथी, ताजी मेथी, इसको हमने बारीक बारीक काटना है। अब हम इसको एक कढ़ाई में डाल के ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। इसका जब तक पानी नहीं सूखता इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं। एक हांडी ली, आप कढ़ाई भी ले सकते हो, उसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड किया। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। 1 तेज़पत्ता डाला है, 7-8 काली मिर्च, 5 लौंग, 2-3 इलायची की छोटी इलायची के दाने, 1/2 कटोरी मैंने इसमें प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, इसको हम भुनेंगे। अब मैंने एक मिक्सी जार में लिया अदरक, 2 हरी मिर्च, खरबूजे के बीज भीगे हुए, काजू सोख थे ये भी, खसखस ये भी मैंने भिगो रखी थी, 2 चम्मच लिया है। दही लिए 100 ग्राम, इसका मैं वाइट ग्रेवी पेस्ट बनाऊंगी। लीजिए तैयार है। अब मैंने इसमें हल्दी 1 पिंच डलेगी, 1.5 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी लाल मिर्च पाउडर, इसको मिक्स करेंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, इसको भी मिक्स करेंगे। अब मैं डालूंगी वाइट ग्रेवी वाला पेस्ट, इसको हम चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें दही है, सिम पे इसको मिक्स करते रहना है। अब मैंने इसमें डाले 100 ग्राम मटर के दाने, ताज़े मटर के दाने डाले हैं। अब मैंने इसमें डाला 200 ml मिल्क, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मैंने इसमें डाला नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो, मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट सिम पे पकने देंगे ताकि मटर के दाने गल जाएं। चलो अब हम आटा लगाते हैं। आटे में हमने डाला अजवाइन, थोड़ा नमक, देसी घी 1/2 चम्मच, कसूरी मेथी 1/2 चम्मच। इसका मैं सॉफ्ट सा डो लगा लूँगी, इसका डो लगाएंगे हम, परौंठे के लिए लगा रहे हैं। ये डो लग गया, इसको रेस्ट करने दीजिए 5 मिनट्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे मटर में मेथी ऐड करेंगे, मेथी ऐड करके इसको अब हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच क्रीम, या फिर आप मलाई भी ऐड कर सकते हो। अब हम तड़का लगाएंगे। देसी घी में हमने हींग डाली है, 2 साबुत मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, साबुत सौंफ है, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। ये तड़का लग गया, ये तैयार हो गई है मटर मलाई मेथी। अब मैं लूँगी 1 आटे की लोई, परौंठा बनाएंगे अब हम। ये हम रोलिंग पिन से रोल करके एक साइड पूरा घी लगा दीजिए। अब इसमें मसाला अपने अकॉर्डिंग डालेंगे हम। ये इसकी लेयर्स बना रही हूँ, इसकी लेयर्स बन गई हैं। अब मैं इसको रोलिंग पिन से रोल करूँगी, अब इसको हम सेकेंगे। ये देखो लेयर्स कैसे अलग आ गई है परौंठे। इंजॉय कीजिए मटर मलाई मेथी लच्छा परौंठा विद हरी मिर्च का अचार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।